उत्तर प्रदेश के बदायूं हत्याकांड को एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बदायूं में एक पेड़ से दो चचेरी बहनों की लटकी हुई लाश मिली थी। इस घटना को लेकर देश भर में गुस्सा देखा और प्रदर्शन हुए, यहां तक कि विदेशों में भी भारत की छवि पर बट्टा लगा। संयुक्त राष्ट्र ने घटना पर चिंता जताई, लेकिन अब एक महीने बाद ये घटना अलग मोड़ लेती दिखाई दे रही है। देखिए संवाददाता अरुणिमा की खास पड़ताल। एक महीना पुलिस से लेकर सीबीआई तक की जांच, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि बदायूं की दो नाबालिग बहनों का कत्ल किसने किया और किन हालात में उनकी हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मामले की जांच में अहम कड़ी हो सकता था, लेकिन अब सीबीआई इस पर ही सवाल खड़े कर रही है। बड़ी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे सीधे रेप की बात नहीं की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़की के जख्म रेप की ओर इशारा कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के गले और निजी अंगों पर चोट के निशान का जिक्र है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये चोट कितनी पुरानी है। सीबीआई ने सवाल उठाया है कि रिपोर्ट में साफ जवाब क्यों नहीं दिया गया। जब हमने सीबीआई के सवालों के बारे में उन डॉक्टरों से पूछा जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, तो उन्होंने ये माना कि सजेस्टिव ऑफ रेप जैसे फ्रेज का मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोई महत्व नहीं है। वो ये भी मान रहे हैं कि बिना और पुख्ता सबूतों के ये कहना मुश्किल है कि क्या बलात्कार हुआ या नहीं, लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि उन्होंने ये फ्रेज इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा क्योंकि यूपी पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उनसे ऐसा करने को कहा था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पीड़ित परिवार के बयान लगातार बदल रहे हैं। लड़कियों के परिजनों ने पहले बयान दिया था कि आरोपी पप्पू और उसके साथ तीन और लोगों को लड़कियों के साथ देखा गया था। उन्हें देखने वाला चश्मदीद सिर्फ पप्पू को ही पहचान सका, लेकिन एफआईआर में परिजनों ने लिखवाया कि पप्पू को उसके दो भाइयों के साथ देखा गया था। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक चश्मदीद ने पप्पू से आमने सामने की पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। सीबीआई ये पूछ रही है कि क्या क्या देखा है क्या नहीं देखा। हमने की जो बात मुझे मैंने देखा है वही बात हम बताएंगे, जो बात देखी नहीं है वो हम नहीं बता सकते हैं। तो हमारे भाई बड़े भाई सब ये हमारे लिए बाइक लाए, तो हम तो जबरदस्ती तभी बात है। भाई साहब ने मेरे भाई साहब से बात कर लेना, मेरे चक्कर आ रहा है, हमारी तो बच्चियां गई हैं। पीड़ित पक्ष का दावा है कि पप्पू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि पप्पू ने रेप और कत्ल के आरोपों से इनकार किया है। इसके बजाय पप्पू ने ये कबूल किया है कि दोनों बहनों में से एक लड़की के साथ सहमति से संबंध बने थे। सीबीआई और पीड़ित परिवार कम से कम एक बात पर एक मत है कि सीन ऑफ क्राइम जहां पे क्राइम की घटना को अंजाम दिया गया उसको ठीक से सिक्योर नहीं किया गया। ये जो यूकेलिप्टस का बगीचा है, यूपी पुलिस के अनुसार गैंग रेप की घटना यहां हुई और बाद में दोनों लड़कियों को इस आम के पेड़ पर लाकर लटका दिया गया, बट ये पूरा इलाका घटना के बाद यहां पे मीडिया वाले, गांव वाले और आसपास के सब लोग आते रहे जाते रहे, और सीबीआई का मानना है कि हो सकता है कि कुछ अहम एविडेंस यहां पे बर्बाद हो गए हो। अब उनकी उम्मीद है कि जो लाई डिटेक्शन टेस्ट है जो अक्यूज पे किया गया है उसकी रिपोर्ट एक दो दिन में आने वाली है, और साथ ही परिजनों का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी संडे को होने वाला है, तो उसके बाद सीबीआई ऐसा मान रही है कि वो शायद इस केस का खुलासा कर पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर किसने उन दोनों लड़कियों को मारा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश उपाध्याय के साथ बदायूं से अरुणिमा, आईबीएन 7 के लिए।